नमस्कार अगेन वे बैक विद अनदर टिप टुडे वे गोइंग टू टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिमिलर कंडीशंस बट एक्चुअली नॉट सो सिमिलर प्रीमेंस्ट्रल सिम्टम्स जो होते हैं पीएमएस जो हम लोग कहते हैं और दूसरा एक्चुअल प्रेगनेंसी या गर्भ अब इसमें सिमिलैरिटीज़ जो हैं जो आप सोचोगे कि नहीं जी क्या सिमिलैरिटी है एक में तो प्रेगनेंसी है और एक में कोई प्रेगनेंसी नहीं है बिल्कुल ठीक बोला आपने ये सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जो सिम्टम्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जैसे ब्रेस्ट पेन छाती में दर्द होना ब्रेस्ट में पेन होना प्रीमेंस्ट्रल सिंड्रोम में भी होता है पीरियड से पहले होता है वो हार्मोन की वजह से होता है जो हमारा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है इन्जगोर्जम एन्गोर्जमेंट हो जाती है ब्रेस्ट की और पेन होता है क्योंकि इम्पोर्टेंट सिम्टम है और ये आपके प्रेगनेंसी में भी होता है मगर फ़र्क ये है कि प्रेगनेंसी में आपका बचेदानी में प्रेगनेंसी है या बच्चा है और जो पीएमएस वाला ब्रेस्ट पेन है वो पीरियड होने के बाद चला जाएगा क्योंकि तब ब्रेस्ट्स से जो वाटर रिटेंशन होती है वो निकल जाती है सेकंड <coughs> है ब्लीडिंग अब प्रेगनेंसी में और पीएमएस में बहुत ही अंतर है क्योंकि पीएमएस में ब्लीडिंग होती है यानी कि वो ब्लीडिंग से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या सिम्टम्स होते हैं और एक बारी मेंसेस होती है ब्लीडिंग हो जाती है तो पीएमएस चला जाता है <coughs> वो सिम्टम्स हमारे चले जाते हैं प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग नहीं होती और अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है देन वी नीड टू बी वर्ड अबाउट इट एंड वी नीड टू सी आर डॉक्टर क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना अच्छी बात नहीं है उसमें नुकसान हो सकता है बच्चे का ऑफ कोर्स मदर का भी हो सकता है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो मूड चेंजेस के बारे में बात करते हैं पी में होते हैं इरेटेबिलिटी uh, होती है अपसेट हो जाते हैं जल्दी स्ट्रेस uh, होता है पेशेंट इवन डिप्रेशन में जा सकता है अब यही सिम्टम्स हमारे जो हैं प्रेगनेंसी में भी हो सकते हैं बट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अलग हैं क्योंकि उसमें मैंने जैसे बोला प्रेगनेंसी बच्चेदानी में होती है और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर डिप्रेशन होता है आफ्टर डिलीवरी जिसे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन तो ये फ़र्क हमारा जो है मूड या मटल या, इलनेस uh, का है जो दोनों चीज़ों को हम डिस्टिंग्विश करते हैं फटीक यानी कि थकान प्रेगनेंसी में भी होती है और सिंड्रोम में भी होती है सिंड्रोम में हमारी इसलिए होती है क्योंकि पेन अगर हो रहा होता है ब्लीडिंग हो रही होती है तो थकान होती है और हमारे देश में हम जानते ही हैं कि सारी लेडीज़ जो हैं मेल नरिश्ड होती हैं हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऊपर से जब ब्लीडिंग भी हो रही होती है तो ऑब्वियसली थकान या फटीक तो होगी सिमिलरली प्रेगनेंसी में भी लेडी को ज़्यादा खाना चाहिए मगर कितना वो उनके डॉक्टर बताएँगे बिकॉज यू हैव टू लुक आफ्टर नॉट ओनली योर हेल्थ बट ऑल्सो ऑफ द ग्रोइंग प्रेगनेंसी इन द न्यूट्रस तो जो हमारा रिजर्व होता नहीं है और ऊपर से हम लोग और कम खाते हैं क्योंकि वॉमिटिंग हो रही होती है तो इस वजह से फटीक हो सकता है प्रेगनेंसी में भी इसलिए हमारा पोषण हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए और हमें अपना न्यूट्रिशन ऊपर रखना चाहिए अब नोज़िया पे आ जाते हैं वॉमिटिंग जो हम कहते हैं या नोज़िया जो वॉमिटिंग की जो फीलिंग होती है नोज़िया हमारे कुछ लोगों में प्री सिंड्रोम में होता है प्रेगनेंसी में अक्सर होता है और ये फर्स्ट थ्री मंथ्स में होता है ज़्यादातर उसके बाद नहीं होता मगर हर प्रेगनेंसी अलग होती है हर प्रेगनेंसी में आपको ना नोज़िया मिलेगा ना डिप्रेशन मिलेगा Uh, कुछ लोगों को होता है कुछ लोगों को नहीं होता है अगर आपको नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी में तो आप खुश रहें कोई ऐसी बात नहीं है पी के जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे पीरियड होने के बाद समाप्त हो जाते हैं ज़्यादातर उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती या पीरियड होने के कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाते हैं तो ये हमारा मेन डिस्टिंग्विशिंग जो है फैक्टर है <coughs> मगर प्रेगनेंसी में आपके अपटिल थ्री मंथ्स या उससे ज़्यादा भी कभी कभी ये आपको नोज़िया की फीलिंग या वोमिटिंग फ़ीलिंग हो सकती है और वैसे ही आपकी जो है फूड की क्रेविंग्स होती हैं कुछ हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं प्रेगनेंसी में कुछ कुछ की आ, स्मेल से ही हमें जो है एवर्जन हो जाता है हमें अच्छा नहीं लगता तो ये प्रेगनेंसी के ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं पीएमएस में कम ही होता है ये आ, चीज़ और सबसे जो है एक चीज़ और मैं बोलूँगा पी में जो पेन होता है प्री सिंड्रोम में जो क्रैम्पिंग होता है नीचे की तरफ लेडीज़ की टमी में तो वो भी होता है और अगर यही क्रैम्पिंग हमारी प्रेगनेंसी में हो रही हो तो हमें उसका बहुत ध्यान देना चाहिए और और वो इसलिए क्योंकि फिर उसका मतलब कि वो अबॉर्शन की तरफ जा रहा है या प्रेमेचोर हमारी जो है डिलीवरी की तरफ जा रहा है तो दोनों ही हालतों में हमें क्रैम्पिंग का ध्यान रखने की ज़रूरत है बट डेफिनेटली प्रेगनेंसी में अगर क्रैम्पिंग हो रही हो या पेन हो रहा हो क्रैम्पिंग क्या होता है पेन uh, होना मसल्स uh, का टेंस हो जाना और रिलैक्स हो जाना इंटरमिटेंट आपका रिलैक्सिंग हुआ उसको हम क्रैम्पिंग कहते हैं <coughs> तो अगर ये हो रहा हो प्रेगनेंसी में तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स क्रैम्पिंग पेन ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम विल इवेंचुअली सेटल डाउन व्हेन यू गेट योर मेंसेस एंड आफ्टर दैट सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मुझे लगा कि दोनों चीज़ों से मिलते जुलते हैं और हम लोग थोड़ा इसके थोड़ा सा इसका इंस्टेड ऑफ uh, जोड़ना या कंफ्यूज होना संधि विच्छेद करके सोचें कि कैसा है सो so दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और दोनों की अलायदा जो है डिफरेंसेस हैं वो हम उसको ध्यान में रखें इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको लगता है कोई आपके दोस्त इससे चिंतित हैं तो ज़रूर उनको शेयर कीजिए कमेंट कीजिए हमारे वीडियोस पे, वी शैल रिप्लाई अंटिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच साइनिंग ऑफ डॉक्टर राहुल पंचंदा